नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो एक और है CP+ का फाइल चैनल लिया जो कि रिपेयर के लिए है। और मैं अभी बता दूं कि अभी जस्ट इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, CP+ के ऊपर, वो रिपेयर भी हुआ, ठीक है, और उसे अपलोड कर देंगे। अभी पहले इसको चेक कर लेते क्या प्रॉब्लम है। मैं तो डायरेक्ट कूद पा रहा हूँ, तो इसका भी प्रॉब्लम है फिलहाल, कैसे तो नहीं पता चल रहा है। पावर डिस्प्ले कुछ आया, कुछ पावर डिस्प्ले वगैरह भी अभी तक शो नहीं किया है कुछ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसे देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा स्क्रू था भाई, अभी इसके लिए अलग से डिग भी रखना पड़ेगा। मिक्स हो रहा है, ये दो तीन मैंने खोल दिए और अभी तक बने नहीं है वो, ठीक है। अभी सुबह से भाई बैठा हूँ, ये तीसरा DVR है और रिपेयर नहीं, मतलब तीसरे DVR में से एक बना है एक नहीं बना, और ये देख लेते हैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है। टाइम लगता है भाई ट्रबल शूट करने में, ठीक है, एक एक चीज़ को भी वीडियो पे तो बताना मुश्किल है। जो स्क्रू दिख रहे हैं सारे खोल दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट में उनको ओपन ही करना है। कस्टमर ने भी खोला काला है ऐसा नहीं है, पर उनसे हुआ नहीं है, इसलिए कुछ कुछ स्क्रू लगे हैं तो कुछ कुछ नहीं लगे हैं, ठीक है। ढीला ही दिख रहा है, ये खुला है इसलिए मालूम पड़ा, कस्टमर ने भी इसमें छेड़खानी की है। हालांकि हर कोई सब कुछ नहीं करता ज़्यादा इतना डिटेल में, इसमें भी वही साफ सफाई गंदगी दिख रही है। तो हो सकता है वही सेम सॉल्यूशन से इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आपके पास सेम बोर्ड आ रहे हैं सेम रीजन से, ठीक है, तो उसमें चांस रहता है कि सेम ही उसका सॉल्यूशन भी हो, ऐसा चांस रहता है इसमें बहुत बार रहता है। चाहे मॉनिटर में भी अगर हो, चाहे आप कोई भी चीज़ रिपेयर कर रहे हो, अगर सेम चीज़ का सेम सॉल्यूशन होता है तो दूसरा बोर्ड भी ऐसा सेम रहने का चांस रहता है। मैं ये सब में नहीं बोल रहा हूँ कि सब में होगा, लेकिन मोस्टली रहता ही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्क्रू है, तो उस वीडियो में तो हमने इसे हीटिंग वीटिंग किया था, तो इसमें भी पहले वही करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए फटाफट वीडियो को क्लोज करेंगे। अब इसमें इतना नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत ज्ञान थी मैंने दे दी इसमें। और मेरी भी अभी तबीयत क्या है, गर्मी की वजह से हालत ख़राब है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ और ना बता पा रहा हूँ। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ तो बराबर से समझ में भी नहीं आता होगा तो, लेकिन ठीक है। मैं सिर्फ दो ही चीज़ चेक करूँगा, 12 और 5, अगर ये आ रहा है तो
इसका मतलब फिर इसके आगे हम चेक करेंगे, फिर सीधा इसे हीट मारेंगे, मतलब इसमें फिर पावर आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलईडी वगैरह तो दिया नहीं है जिससे मालूम पड़ जाए। ओके देखिए आप भी, 12 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मतलब बारह यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अभी सॉरी वापिस ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ तक 5 वोल्ट नहीं पहुँच पा रहा है, देखेंगे 5 वोल्ट का कैपेसिटर कौन सा है, सब 12 वोल्ट वाले ही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हार्डिस वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो पहले तो डिस्प्ले का देखेंगे 5 वोल्ट से, क्योंकि डिस्प्ले हो सकता है 5 वोल्ट नहीं आने से वो भी हो रहा है, लेकिन एक बार हीटिंग वीटिंग भी करके देखेंगे, ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले थोड़ा सा हीटिंग वीटिंग करेंगे साफ बीप करके। और क्या पढ़ाई करनी आ रहा है? बैग वैग लेके घूम रहे क्या वहाँ पे? अरे तुम एक काम करो, कनेक्शन लगाओ और फॉरवर्ड करो, उधर से जगह साफ करो थोड़ा, पहले पहले लैपटॉप कर लो, साइड में रखो, डीवी आ रहा है अभी करके, साइड में रखो, साइड में, हाँ साइड में रख दो, नीचे रख दो इस जगह को, इसको उठा के इधर नीचे नीचे रख लो, इसको उठा के इसको भी यहाँ रहने दो साइड में, लैपटॉप लगाओ फॉर्मेट मारो, हार्ड डिस्क ऊपर है, ठीक है, अब इसे यहाँ पे पहले हीट कर लेते हैं, ये ज़रूरी है कि कॉइल शायद निकाला है किसी ने, तो हमको कॉइल लगाना पड़ेगा। बैटरी निकाल लेंगे, पहले बैटरी निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक दूसरा जो हमने अभी जस्ट रिपेयर किया उसे भी ओपन करेंगे और उसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉइल था या कुछ कंपोनेंट था तो उसे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है, तो नो तो नॉर्मल हीट मारना था मैंने, मार दिया, अब यहाँ पे एक एक कंपोनेंट को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ग्राउंड से शॉर्ट कर रहा है 5 वोल्ट, तो ये नहीं होना चाहिए था, क्या चाहिए ये थोड़ी बोलेगा, क्या थोड़ा, अरे तो स्क्रू उसमें लगा लो, निकाल लो उसको, मैग्नेट ही निकाल लो, ठीक है,
तो ये नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक बार पीछे भी देखेंगे। ठीक है, तो डाउट हो रहा है भाई कि यहाँ पे तो एक बार कॉइल को निकालेंगे जरा और चेक करेंगे। ठीक है, ये 5 वोल्ट का एक्चुअली है। ठीक है, ये दो तो ग्राउंड रहते ही हैं, ये 12 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट भी ग्राउंड शो कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा फुल करूँगा इसे मैं और टीजर लेंगे। ये 5 वोल्ट की कॉइल रहती है मोस्टली, ज़्यादा करके तो, इसलिए मैंने उससे पहले निकाला। ठीक है, अब एक बार चेक करेंगे, कैपेसिटर फिर भी शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्लेन तीनों को भी निकालेंगे। हाँ हाँ सारे स्क्रू निकालो, जितना दिखता है सब। और अब एक बार चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है इस जगह की। अब नहीं है, इसका मतलब इन 3 कैपेसिटर में से कुछ तो खराब था। एक, दो, तीन, तो ये तीसरा वाला कैपेसिटर खराब था। ठीक है, तो ये इसकी वजह से डिस्प्ले वगैरह का शायद इशू दे रहा था, 5 वोल्ट का इशू दे रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम था इसमें। ठीक है, तो इसे हम फिलहाल के लिए कर देंगे साइड, और कॉइल हमारा सही है और कैपेसिटर भी सही है, तो फिर से जैसा था कि वैसे का वैसा हम लगा देंगे इसे। ओके, इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग होगा, 5 वोल्ट की वजह से भी शॉर्ट होता है। ठीक है, मतलब वो शॉर्ट हो रहा था तो हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट नहीं कर रहा था और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था। तो अभी सबसे पहले इसे जो निकाला हमने उसे बैठा देंगे। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद सॉरी, तो अब एक बार चेक करेंगे यहाँ पे क्या अब शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं। तो देखिए शॉर्टिंग हट गई। ओके, इसमें 5 वोल्ट शॉर्ट दिखा रहा था। तभी थोड़ा ठंडा होने देंगे, तुरंत नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्म है। और उसके बाद फिर से इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ठंडा हो गया अभी, काफ़ी हमने पुश पुश घुमाया इस पर। अभी मेरा मोबाइल पहले साइलेंट है, हाँ चलेगा। तो एक बार चलिए अभी एक बार से डिस्प्ले चेक करेंगे। और 5 वोल्ट भी आपको चेक कराऊंगा मैं लगा इसको। नहीं, कुछ नहीं करना रहने दो, वो तो बटन दबा दो एक मॉनिटर का। हाँ बस बस हो गया। चलिए अब एक बार चेक कर ले। ठीक है, एक बार अब इसका 5 वोल्ट चेक करेंगे, 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। ये देखिए 5 वोल्ट बन गया। ठीक है, और डिस्प्ले भी आ गया, देखो यहाँ पे 5 वोल्ट बन गया और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ गया। फिर इसके पहले डिस्प्ले नहीं आ रहा था, 5 वोल्ट भी नहीं बन रहा था। तो वो एक छोटा सा कैपेसिटर था जो कि यहाँ पे पड़ा ही होगा, ये देखिए यहाँ, तो इसकी वजह से इश्यू आ रहा था। ठीक है, 5 वोल्ट भी हो गया और ये डिस्प्ले अभी पूरा आ जाएगा। देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए। ठीक है, ये पूरा आ चुका है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई, काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।